क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए मनहूस है स्वरा भास्कर। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आरती तोमर स्वागत करती हूँ वीके न्यूज में। 2019 लोकसभा चुनाव इसलिए बेहद खास थे क्योंकि इस बार पॉलिटिशियंस के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपने फेवरेट पार्टियों का प्रचार किया था। इनमें से एक है स्वरा भास्कर, जो पिछले दिनों राजनीतिक पार्टियों के लिए पनौती साबित हुई हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर स्वरा को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के दम पर नाम कमाने वाली स्वरा भास्कर राजनीति में अपने कदम नहीं जमा पाई। स्वरा हमेशा से ही सरकार की नीतियों पर हमले करते आई हैं, जिसके चलते स्वरा ने विपक्षी पार्टी का हाथ भी थामा था। मिस भास्कर ने जिस भी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, वो पार्टी चुनावी मैदान में औंधे मुंह जागिरी। आपको बता दें, स्वरा ने आप कैंडिडेट आतिशी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, CPM कैंडिडेट अमरा राम जैसे और भी नेताओं के लिए प्रचार किया था। स्वरा ने जिस भी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, वो उम्मीदवार जीत तक नहीं पहुंच पाया। आपको बता दें, स्वरा ने भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के लिए BJP उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ प्रचार किया था, जहां दिग्विजय सिंह को 3,00,000 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही स्वरा ने आप कैंडिडेट आतिशी के लिए गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली से चुनाव प्रचार किया था, जहां उन्हें 4,00,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। स्वरा ने बेगूसराय से कन्हैया कुमार के लिए भी प्रचार किया था, जिसके लिए स्वरा ने जय हिंद, जय भीम और जय सलाम का नारा भी लगाया था, लेकिन उनका ये नारा लोगों को कुछ राज नहीं आया और यहाँ भी कन्हैया को हार का मुँह देखना पड़ा। लोगों का तो यह भी कहना है कि इससे अच्छा तो स्वरा किसी के लिए वोट ही नहीं मांगती और ना ही प्रचार करती। क्या राजनेताओं का स्वरा को अपने साथ रखना भारी पड़ा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।